Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजल अल रहमान आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत शानदार वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं कि क्या होती है हमारी सेंट्रिक फुटिंग और इसेंट्रिक फुटिंग। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी तरह का वक्त जाया किए। तो इंजीनियर्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सेंट्रिक फुटिंग और इसेंट्रिक फुटिंग किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज हम ये डिटेल में जानेंगे हमारी साइट पर। तो ये जो हमारी फुटिंग है ये है सेंट्रिक फुटिंग। तो सेंट्रिक फुटिंग किसे कहते हैं, कैसे समझ में आए आप लोगों को ये सेंट्रिक फुटिंग है। जो हमारी फुटिंग होती है एक्सकेवेशन होता है वो एक तरीके से पूरी प्लेट होती है और प्लेट के बिल्कुल बीच में जब हमारी फुटिंग को प्लेस किया जाए, हमारे कॉलम को प्लेस किया जाए उसके एकदम सेंटर में ताकि जो उसका लोड है वो एक्सेली पड़े उस पर, उसे कहा जाता है हमारी सेंट्रिक फुटिंग। तो अब हम देखते हैं हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग किसे कहते हैं। तो ये है हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग। तो अब हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग में भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा यूनिएक्सियल फुटिंग और दूसरा होता है हमारा बाईएक्सियल फुटिंग। तो ये हमारी जो है ये यूनिएक्सियल फुटिंग है। तो यूनिएक्सियल फुटिंग क्यों करनी पड़ती है, हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग क्यों करनी पड़ती है हमें। सबसे पहले इसका जो रीजन है वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये तो हमारी ड्रॉइंग में और हमारे लोड की वजह से, जो हमारा लोड ट्रांसफर होता है उसकी वजह से। और अब ये क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी लाइन है उस हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ता है। जब हमने सेंटर लाइन लेआउट किया होगा तब यहां पे डिसाइड हुआ होगा कि हमारे यहां कॉलम रहने वाला है, इस तरह से हमारा लेआउट हुआ होगा। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टी में हमें इस कॉलम को जो है एडजस्ट करना था, इसलिए हम लोगों ने इसे यहां पर इसेंट्रिक फुटिंग दी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये हमारी यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग थी। अब जो दूसरी हमारी फुटिंग है बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग वो कैसी होती है अब हम वो देखते हैं। तो अब ये जो हमारी फुटिंग है आप लोग जैसे देख रहे हो इसकी जो प्लेसिंग है वो कैसी आप लोगों को कॉर्नर में दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमारे जो एक्सकेवेशन पिट के एकदम कॉर्नर में है। और इसकी जो फुटिंग तैयार की जा रही है तो ये जो फुटिंग है ये है हमारी बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग। तो बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग क्यों देनी पड़ी हमें, क्यों हम तो इसे बीच में भी दे सकते थे एक्सकेवेशन पिट के, लोड तो ये तब भी ट्रांसफर करती उसी तरह जैसे अब कर रही है, लेकिन हम लोगों ने इसे क्यों दिया। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ से जो कॉलम की लाइन देख रहे हो आप लोग, ये कॉलम की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और यहाँ तक आ रहा था वो। तो अब इस कॉर्नर में जब हमारी कॉलम की प्लेसिंग आई तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग देनी पड़ी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा बीम चलने वाला है, कॉलम टू कॉलम हमारा बीम चलता है, उसके स्ट्रेट लाइन के लिए हमें यहाँ पर बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग देनी पड़ी। इसी कारण से हमें आगे भी कहीं जगह पर बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग देनी पड़ी है, कहीं पर सेंट्रिक फुटिंग और कहीं पर यूनिएक्सियल फुटिंग देनी पड़ी। इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तो इंजीनियर्स चलिए अब हम समझते हैं ड्राइंग की मदद से कि कैसे ड्राइंग में समझा जाए कि आपकी बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग कौन सी है और यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग कौन सी है। तो अब हम देखेंगे ड्राइंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रिक फुटिंग। जैसे आप देख रहे हो हमारी जो सेंट्रिक फुटिंग है ये बिल्कुल सेंटर में हमारे जो एक्सकेवेशन पिट किया हमने उसके एकदम सेंटर में आ रहा है, इसलिए ये हमारी सेंट्रिक फुटिंग, हमारी फुटिंग के बिल्कुल बीचों बीच में इसका कॉलम प्लेस हो रहा है इसलिए ये हमारी सेंट्रिक फुटिंग है। अब हम देखते हैं हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग के बारे में। जो ईसेंट्रिक फुटिंग जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग। तो जैसे आप देख रहे हो कि यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग में क्या हो रहा है, ये हमारे लोड के जो एक्सियल में है उसमें है, ये उस कॉर्नर में नहीं है ये हमारे, तो इसलिए ये हमारी यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग हुई। अब हम बात करेंगे हमारी बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग के बारे में। जैसे आप लोग देख रहे हो जो हमारी ये बाईएक्सियल फुटिंग है ये पूरी तरह कॉर्नर में, हमारे फुटिंग के एक कॉर्नर में है, बीच में नहीं है कहीं पर भी, सेंटर में नहीं है, एक कॉर्नर में है, इसलिए ये हमारी बाईएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग हो गई। तो यहाँ हमारी ड्रॉइंग रीडिंग ख़त्म होती है हमारी फुटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कि इसकी बार्स कैसी बांधी गई, कैसे इसे टाई किया गया हमारी फुटिंग्स के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारी सेंट्रिक फुटिंग है उसका जो बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किया गया है, टाई किया गया है, वो कैसे किया गया है। जिसे आप देख रहे हो कि ये हमारी सेंट्रिक फुटिंग है और इसमें जो हमारा कॉलम है उसे प्लेस किया गया है बिल्कुल सेंटर में और उसके बार बेंडिंग जो उसके लेग्स दिए गए हैं वो पूरे चारों तरफ आप लोगों को टाई किए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रिक फुटिंग है इसे सेंटर में बांधा गया है। अब हम देखते हैं
कि हमारी जो ईसेंट्रिक फुटिंग है वो कैसी है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हमारी ईसेंट्रिक फुटिंग है, इसलिए इसका जो BBS बांधा गया है उसे अलग तरीके से ईसेंट्रिक फुटिंग के हिसाब से बांधा गया है। उसके साथ साथ अब इसके कॉलम के लेग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो इसके कॉलम के लेग्स आप लोगों को दिख रहे होंगे कि ये पूरे 3 साइड बांधे गए हैं। ये फर्स्ट साइड हो गया हमारा, यहाँ से जहाँ इसका सपोर्ट दिया गया है, ये हमारा सेकंड साइड हो गया और ये हमारा थर्ड साइड हो गया। फोर्थ साइड इसमें नहीं दिया गया जैसे हमारी सेंट्रिक फुटिंग में दिया जाता था। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये हमारी यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग है। तो अब हम लोगों ने यूनिएक्सियल की फुटिंग का जो कॉलम की जो बार बेंडिंग शेड्यूल था उसका एक टाइप देखा। अभी उसका दूसरा टाइप है, वो इस तरीके से भी बांधा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसके लेग्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो L दिया हुआ है वो इस तरह से दो साइड से दिया हुआ है। तो इस तरह से यूनिएक्सियल फुटिंग के लिए जो कॉलम तैयार किया जाता है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल इस तरह टाई किया जाता है, इस तरह उसे बेंड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे बायएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग जो है उसे कैसे बांधा जाता है। उसे ऐसे उसका बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है। आप लोग देख रहे हो कि बस एक कॉर्नर में भी ये आसानी से सेट हो सकता है। इसकी जो फुटिंग होगी उसमें इन जो लेग्स दिए गए हैं हमारे, ऐसे इसे टाई किया जाएगा हमारे फुटिंग में। और ये हमारा जो कॉलम है ये आसानी से किसी कॉर्नर में हमारे बायएक्सियल ईसेंट्रिक फुटिंग में आसानी से इस कॉलम को जिस तरह तैयार किया गया उसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने अलग अलग टाइप देखे, सेंट्रिक टाइप देखा और ईसेंट्रिक टाइप देखा। ईसेंट्रिक टाइप में दो टाइप के फुटिंग होती है जो मैंने आप लोगों को बताया। पहली क्या बताया मैंने आप लोगों को, यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग। दूसरी हमारी क्या थी? दूसरी हमारी थी बायएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग। और यूनिएक्सियल सेंट्रिक फुटिंग में दो तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल बांधा जाता है। जैसे सबसे पहले इस तरह बांधा जाता है और दूसरा जो टाइप था वो हमारा वहां पर है। तो इस तरह से जो हमारी फुटिंग्स तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, अगले टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारे कॉलम के जो बार बेंडिंग शेड्यूल है उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो हमारे जो कॉलम के बार से, ये एक लेवल पर क्यों नहीं है? कुछ को इस लेवल पर रोक दिया गया है और कुछ बार्स ऊपर तक गए हैं। तो ये क्यों गए हैं ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी हमारी वीडियो सेंट्रिक और ईसेंट्रिक फुटिंग पर। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।